ये कहानी हमारी नहीं और ना ही हम इसे सुनाना चाहते थे। ये कहानी है रिहाई की। रिहाई जो एक अरसे से मांग रहे थे, ये नजारे और ये किरदार जो कैद थे हमारे ख्यालात और जुस्तजू के बीच। आज हम इनको रिहा करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इनकी रिहाई दुनिया देखे और इनकी कैद की वजह भी सबको मालूम हो। वजह सिर्फ ये थी कि तमाम नज़ारे पाकिस्तानी थे, ऐसे पाकिस्तानी नज़ारे जिनको देख के अपने मुल्क से मोहब्बत हो जाती है। और अगर बार बार देखा जाए तो इन नज़ारों से दूर रहना मुश्किल हो जाता है। इनको कैद करना भी आसान नहीं था। हमने शुरू किया पहाड़ों से, कुछ को बर्फ में कैद किया और कुछ को अंधेरे में। फिर आगे बढ़े और जो जो मिलता गया सबको कैद करते चले गए। शहर शहर, गांव गांव, घर गलियां, पुराने मोहल्ले, कभी रेलगाड़ी से जाना हुआ, कभी कश्तियों से, पैदल भी चले और गाड़ियों में भी तलाश जारी रखी। कहीं फूलों पे तितलियों को कैद किया, कहीं जमीनी जानवरों को। हर जुबान बोलने वाले से लेकर हर रंग और ढंग वाले इंसान को। हसीन रास्तों से भी गुजरना हुआ और दिलकश वादियों से। और चूंकि पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम हर मंजर हर मखलूक पे था, तो हम एक के बाद एक सबको कैद करते चले गए। लेकिन आज इनकी रिहाई दुनिया देखेगी, क्योंकि इन तमाम मनाजिर को बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और इसी अहद के साथ हम एक नई शुरुआत करते हैं कि आइंदा अच्छे मनाजिर को अपनी कैद में नहीं रखेंगे।